सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चिंता में और चिंतन में कितना फर्क है। इंसान जब शरीर छोड़ता है तो उसे उठाकर शमशान घाट लिया जाता है, और उसी घर के व्यक्ति जिस घर में मनुष्य मरता है, इतने सालों तक अपना सब कुछ समर्पण करता है, खून पसीना बहाता है, पैसा कमाता है, उस घर के लिए सब कुछ करता है, और जैसे ही उस व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, घर वालों के लिए वो बोझ बन जाता है। उसी समय बोझ बन जाता है। अब यहां से आप अपने से हिसाब लगा लीजिए, जब व्यक्ति मरता है उसके सोने की अंगूठी निकाल ली जाती है, उसका पर्स निकाल लिया जाता है, उसकी घड़ी भी निकाल ली जाती है, लेकिन उसके जितने वस्त्र घर में हैं, वो सारे शमशान घाट भिजवा दिए जाते हैं। वस्त्रों में क्या है, घड़ी में भी तो हो सकता है, जो अंगूठी है उसमें भी तो हो सकता है, लेकिन कल तक वो घर का मालिक था, स्वामी था, मरते ही वो प्रेत बन गए। आप लोगों के लिए डरने लग जाते हैं सब, और जैसे ही उसे शमशान घाट में संस्कार कराकर आते आते सब नहाते हैं महाराज, सब स्नान करते हैं। कहीं कोई साथ ना आ गया हो, क्या स्नान करने से दूर हो जाएगा, या आप स्नान करने से शुद्ध हो जाएंगे? कहते हैं, मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं इसी वाक्य पर, कि चार दिनों की प्रीत जगत में चार दिनों के नाते, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते। जिस पर खून बहाया लमसम चिता वही जलाते, जिसके लिए दिन रात खून बहाया है वही पुत्र अग्नि देता है, जिस पर खून बहाया लमसम चिता वही जलाते, और जल में भी कौन बहाता है, वही। और पत्नी बच्चे, कल तक तो आप घर के स्वामी थे, मालिक थे, सब कुछ थे। पत्नी कहती है कि जब तक पतिदेव नहीं आएंगे तो भोजन नहीं करेंगे, इकट्ठे ही करेंगे, घर का स्वामी मालिक है, और जैसे ही प्राण निकल जाते हैं तो वो क्या करते हैं बालक, पत्नी क्या करती है, परिवार वाले क्या करते हैं? घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर, बड़े ध्यान से सुनने की बात, घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर, घर की शुद्धि कराते हैं, घर की शुद्धि कराते हैं, और क्या करते हैं, पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, चौथे से चालीसवें दिन तक, चौथे से चालीसवें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, हर एक रस्म निभाते हैं। क्यों निभाते हैं, प्रेत आत्मा का कोई जोखम ना हो, अपना पिंड छुड़ाते हैं, प्रेत आत्मा का जोखिम ना हो, अपना पिंड छुड़ाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि पिंड दान कराइए, तर्पण कराइए, आप लोगों ने भी कराया होगा आज, अच्छी बात, लेकिन अपने घर के उस व्यक्ति को जिसने आपको पूरा जीवन दे दिया, सब कुछ दिया है, इस घर को अपना खून पसीना दिया है, उसको आप गलत मत समझिए, आपके साथ वो गलत नहीं करेगा।
अगर किसी की व्यक्ति की मृत्यु होती है वो दुखी होता है, और दुखी होकर व्यक्ति की मृत्यु होती है, वहां हम मान सकते हैं कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई अकाल मृत्यु हो जाती है, तो हमारे ब्राह्मण देवता विराजमान है उनके हाथों से वो कर्मकांड भी होता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी उम्र आपको देकर जाता है, हंसता खेलता जाता है, परिवार को संपूर्ण करके जाता है, उस व्यक्ति के लिए भी अगर आप ऐसा काम करेंगे महाराज, उठाओ फटाफट भगाओ। नाम के आगे, मकान के आगे अपना नाम लिखते हैं महाराज, नाम लिख दिया, मान लो कोई भी नाम ले लीजिए, किसी का नाम दीपचंद ले लीजिए, दीपचंद निवास, ऋषि निवास, सागर निवास। आदमी के मरने के बाद तो आदमी खत्म ही हो जाता है, फिर निवास का नाम प्लेट उखाड़नी पड़ती है, वो जब आदमी मर जाता है उस नाम वाला उसकी प्लेट उखाड़नी पड़ती है, फिर दूसरे की प्लेट लगाते हैं। क्यों लगाते हो? इससे अच्छा तो गोविंद का नाम लिख दो ना, गोविंद निवास, ठाकुर निवास, राधा वल्लभ निवास, जो जिंदगी भर प्लेट उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज, जिंदगी भर भगवान का नाम दे दो उस प्लेट। बोलो हरे कृष्ण। भगवान के नाम से घर का नाम रखो, उस घर पर कभी कोई विपत्ति नहीं आई। बोलो हरे कृष्ण।